दोस्तों जब बात आती है LIC में इन्वेस्ट करने की तो दो पॉलिसी ऐसी हैं जिनका नाम सबसे पहले लिया जाता है, और ये दो पॉलिसी में से एक पॉलिसी तो ऐसी है जिसको आज से 10 साल 15 साल 20 साल से लोग जानते हैं। इस पॉलिसी का नाम है LIC जीवन आनंद। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले LIC की ऐसी दो पॉलिसी के बारे में जिन दो पॉलिसी के बारे में अक्सर हर एक कस्टमर जानता है, हर किसी ने इन पॉलिसी के बारे में सुना हुआ है, लेकिन कस्टमर को फर्क नहीं पता है कि LIC न्यू जीवन आनंद और LIC जीवन लाभ में क्या फर्क है। क्योंकि अगर आप किसी भी पॉलिसी को लेना चाहते हैं तो बगैर समझे उस पॉलिसी को लेना बेवकूफ़ी होती है। तो पहले पॉलिसी को समझिए अच्छी तरीके से, और समझने के बाद पॉलिसी के एक एक फीचर समझिए, आपके हिसाब से कौन सा प्लान फिट बैठ रहा है आपके लिए, किस पॉलिसी में क्या बेनिफिट है, किस में क्या बेनिफिट है, किस में कितना मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा, किस में कब तक इंश्योरेंस चलेगा, ये समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप कहीं ना कहीं इंश्योरेंस सेक्टर में काम करते हैं और आप चाहते हैं कि आप अपने कस्टमर को एक सही कंपैरिजन जाकर बताएं तो ये वीडियो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, वीडियो पूरा देखना है। और अगर आप एक कस्टमर हैं और अपने लिए एक इंश्योरेंस पॉलिसी की तलाश कर रहे हैं तो भी आपके लिए ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि दोस्तों जब आप पॉलिसी के फीचर्स समझेंगे, प्लान के फीचर्स समझेंगे, किस पॉलिसी में कितना मैच्योरिटी अमाउंट मिल रहा है, किस पॉलिसी में कब तक इंश्योरेंस कवर चल रहा है, कौन सी पॉलिसी आपके लिए फिट बैठ रही है, तभी आप सही पॉलिसी का चुनाव कर बैठते हैं। और इंश्योरेंस एक ऐसी इंश्योरेंस पॉलिसी होती है जो लाइफ टाइम आपके काम रहती है, जल्दबाजी में आपको कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। तो अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और साइड में जो बेल आइकन है उस पर जाकर नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करें। और जो दर्शक हमारे वीडियो हमारे Facebook पेज पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। आज सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आप में से कितने सारे इंश्योरेंस एडवाइजर ऐसे हैं जो LIC जीवन आनंद प्लान के बारे में जानते हैं। अगर जानते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइए कि LIC जीवन आनंद के बारे में आप जानते हैं, और अगर नहीं जानते हैं तो भी कमेंट करके बताइए। और कितने ऐसे एडवाइज़र हैं आप में से, कितने ऐसे लोग हैं जो राइडर के बारे में नहीं जानते हैं कि कौन कौन से राइडर में क्या क्या बेनिफिट होते हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं राइडर के बारे में तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं कोशिश करूंगा एक सेपरेट वीडियो लाने की जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपको इंश्योरेंस राइडर के बारे में बताया जाएगा कि इंश्योरेंस राइडर लेना ज़रूरी है या नहीं है, इंश्योरेंस में पॉलिसी में राइडर क्यों लेना चाहिए, क्या ज़्यादा प्रीमियम पे करना होता है राइडर के लिए या कम प्रीमियम पे करना होता है, इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो में बनाकर आपको दूंगा। चलिए आज हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं LIC न्यू जीवन आनंद और LIC जीवन लाभ के बारे में। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं LIC न्यू जीवन आनंद प्लान के बारे में। वैसे तो आपने इस प्लान के बारे में सुना होगा क्योंकि ये पॉलिसी पिछले 15 साल 20 साल 30 साल से चलती आ रही है, लेकिन बीच बीच में IRDA की जैसे ही गाइडलाइंस आती हैं प्लान में कुछ मॉडिफिकेशन किया जाता है और इसका टेबल नंबर चेंज होता रहता है। दोस्तों LIC न्यू जीवन आनंद प्लान एक ऐसा प्लान है जिसमें जब पॉलिसी की मैच्योरिटी हो जाती है, यानी कि जितने टेन्योर के लिए कस्टमर प्लान लेता है, मान के चलते हैं वो 15 साल के लिए प्लान लेता है, तो 15 साल तक कस्टमर को रेगुलर प्रीमियम पे करना होता है। प्रीमियम पे करने के बाद पॉलिसी बंद नहीं होती है, पॉलिसी में जितना भी इंश्योरेंस कवर होता है, अगर 5 लाख का इंश्योरेंस कवर है तो 5 लाख, और अगर 10 लाख का इंश्योरेंस कवर है तो 10 लाख लाइफ टाइम 100 ईयर तक चलता रहता है। इसको हम एग्जांपल के तौर पे समझेंगे आगे, लेकिन उससे पहले समझते हैं कि इस पॉलिसी को कितने समय के लिए लिया जा सकता है। दोस्तों LIC न्यू जीवन आनंद पॉलिसी का जो टर्म है मिनिमम टर्म वो 15 साल है और मैक्सिमम टर्म 35 ईयर्स है। वहीं पर अगर हम बात करें LIC जीवन लाभ प्लान की तो LIC जीवन लाभ प्लान में 3 पॉलिसी टर्म दी गई है, यानी कि कस्टमर की जैसे रिक्वायरमेंट उसी के अकॉर्डिंग आप कस्टमर को टर्म दे सकते हैं। यहाँ पर कस्टमर को अगर कम समय के लिए प्रीमियम पे करना है और लंबे समय तक उसको लाइफ इंश्योरेंस कवर चाहिए तो वो LIC जीवन लाभ प्लान में जा सकता है, क्योंकि जो 3 टर्म है उसमें सबसे पहली टर्म है 25 साल, यानी कि कस्टमर का जो पॉलिसी होगा वो 25 साल के बाद मैच्योर होगा। दूसरा टर्म है 21 ईयर्स, यानी कि 21 साल के बाद पॉलिसी मैच्योर होगा, और तीसरा टर्म है 16 साल, यानी कि 16 साल के बाद पॉलिसी का जो टर्म है वो मैच्योर हो जाएगा।
अब बात करते हैं प्रीमियम पेइंग टर्म की। दोस्तों जीवन आनंद पॉलिसी, न्यू जीवन आनंद पॉलिसी, जिसमें जो मिनिमम टर्म है 15 साल से 35 साल के बीच में है, तो इसमें कस्टमर जो भी टर्म लेगा, अगर उसने 20 साल का टर्म लिया है तो प्रीमियम पेइंग टर्म भी 20 साल होगी। अगर कस्टमर 30 साल का टर्म लेता है तो प्रीमियम पेइंग टर्म भी 30 साल होगी, यानी कि जितना पॉलिसी का टर्म उतना ही प्रीमियम पेइंग टर्म। लेकिन LIC जीवन लाभ में ऐसा नहीं है। LIC जीवन लाभ में अगर कस्टमर 25 साल का टर्म लेता है तो उसको मात्र 16 साल तक प्रीमियम पे करना पड़ेगा। यानी कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लेकिन लंबे समय तक अपने ऊपर लायबिलिटी नहीं रखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जल्दी जल्दी उनका प्रीमियम खत्म हो और उनका इंश्योरेंस कवर लंबे समय तक चलता रहे और मैच्योरिटी पे उनको लमसम अमाउंट मिले। तो जो लोग चाहते हैं कि कम समय तक प्रीमियम पे करना पड़े और उनको मैच्योरिटी पर ज़्यादा पैसा मिले, वो लोग जीवन लाभ प्लान में जा सकते हैं। क्योंकि अगर कस्टमर ने 25 साल का टर्म चुना है तो कस्टमर को मात्र 16 साल तक प्रीमियम पे करना पड़ेगा। वहीं पर दूसरा टर्म है 21 साल। अगर कस्टमर चाहता है कि उसकी पॉलिसी 21 साल पर मैच्योर हो तो कस्टमर को मात्र 15 साल तक प्रीमियम पे करना पड़ेगा। वहीं पर अगर कस्टमर 16 साल का टर्म चुनता है जीवन लाभ प्लान में तो उसको मात्र 10 साल तक प्रीमियम पे करना पड़ेगा। अब मान के चलिए किसी की बेटी की एज 8 साल है, वो अपनी बेटी के नाम से प्लान लेता है तो वो 25 साल का टर्म तो लेगा नहीं, क्योंकि बेटी की एज ऑलरेडी 8 साल है, तो वो 16 साल का टर्म ले सकता है। यानी कि जब बच्चे की 24 साल होगी, यानी कि शादी का समय आएगा, तो उस टाइम पर उसकी पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी और पैसा भी मात्र 10 साल तक पे करना होता है। तो दोनों पॉलिसी में बहुत फर्क है, आपको बहुत ध्यान से समझना है। और मैं आपको यही सजेस्ट करता हूं कि जब आप अपने कस्टमर के पास जाएं, कस्टमर आप, क्योंकि आपके पास इतने सारे प्लान है, क्या पता कस्टमर ने किसी दूसरे एडवाइजर को बुलाकर आपसे पहले उससे दूसरी पॉलिसी समझाई हो, जीवन लाभ समझाओ, आप उसको जीवन लाभ नहीं बता रहे हो, जीवन आनंद बता रहे हो। तो पहले आप कस्टमर से बात करिए, उससे समझिए कि वो चाहता क्या है, उससे पूछिए कि सर आप किस टाइप का प्लान चाहते हैं, क्या आपने पहले कभी किसी प्लान के बारे में समझा हुआ है या आप किसी प्लान के बारे में जानते हैं। अगर वो बोलते हैं हाँ मैंने समझा हुआ है जीवन आनंद के बारे में, तो आप उसको जीवन आनंद बताइए, आप उसको एक कंपैरिजन करके बताइए। तो वो तो हम एक सेपरेट वीडियो में समझेंगे, आज हम बात कर रहे हैं जीवन आनंद और जीवन लाभ में क्या कंपैरिजन है। दोस्तों LIC जीवन आनंद में जो मिनिमम एंट्री एज है वो 18 साल रखी गई है और मैक्सिमम एंट्री एज 50 साल रखी गई है। वहीं पर LIC जीवन लाभ प्लान में मिनिमम एंट्री एज 8 साल रखी गई है और मैक्सिमम एंट्री एज 59 ईयर रखी गई है। यानी कि अगर 8 साल का बच्चा है, 8 साल के बच्चे के लिए आप पॉलिसी लेना चाहते हैं तो आप LIC जीवन लाभ प्लान भी ले सकते हैं और साथ साथ इसमें प्रीमियम वीवर बेनिफिट भी ले सकते हैं। अगर आप नहीं जानते हैं प्रीमियम वीवर बेनिफिट क्या है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि प्रीमियम वीवर बेनिफिट क्या है और इसके क्या बेनिफिट हैं। तो 8 साल से लेके 59 ईयर्स तक की एज का कोई भी व्यक्ति LIC जीवन लाभ प्लान ले सकता है। अब बात करते हैं मिनिमम सम एश्योर्ड कितना है और मैक्सिमम सम एश्योर्ड कितना है। LIC न्यू जीवन आनंद प्लान में मिनिमम सम एश्योर्ड 1,00,000 है और मैक्सिमम सम एश्योर्ड की कोई लिमिट नहीं है, बशर्ते वो उसकी इनकम के ऊपर डिपेंड करता है कि पॉलिसी लेने वाले की इनकम कितनी है, वो कितने इंश्योरेंस के लिए एलिजिबल है। वहीं पर बात करते हैं LIC जीवन लाभ की। तो LIC जीवन लाभ में मिनिमम जो सम एश्योर्ड रखा गया है वो 2,00,000 का मिनिमम सम एश्योर्ड रखा गया है और मैक्सिमम सम एश्योर्ड की कोई लिमिट नहीं है। अब बात करते हैं रिस्क कवर। देखिए LIC न्यू जीवन आनंद प्लान में अगर पॉलिसी मैच्योरिटी से पहले पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो इसमें जो सम एश्योर्ड रखा गया 125% ऑफ सम एश्योर्ड रखा गया है। यानी कि डेथ होने पर 125% ऑफ सम एश्योर्ड प्लस बोनस दिया जाता है। यानी कि अगर कस्टमर का सम एश्योर्ड 10,00,000 है तो डेथ होने के समय पर उसको 12,50,000 मिलेगा प्लस बोनस दिया जाएगा अगर मैच्योरिटी से पहले डेथ होती है। वहीं पर LIC जीवन लाभ में रिस्क कवर जो है वो 100% ऑफ सम एश्योर्ड है। यानी कि अगर 10,00,000 की पॉलिसी है तो 10,00,000 का ही रिस्क कवर दिया गया है। अब इन दोनों पॉलिसी को हम एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं ताकि आप और अच्छे से इसके बारे में समझ पाए। पहले हम बात करते हैं LIC न्यू जीवन आनंद प्लान के बारे में। मान के चलते हैं एक कस्टमर है जिसका नाम है राम। राम की एज है 30 साल और 25 साल के लिए राम LIC न्यू जीवन आनंद प्लान लेता है जिसमें वो 10,00,000 का सम एश्योर्ड लेता है। अगर कैलकुलेट किया जाए प्रीमियम तो प्रीमियम कैलकुलेट करके बैठता है 45,785 इंक्लूडिंग GST, क्योंकि आपको पता होगा कि पहले साल जो GST जाती है वो जाती है 4.5% और सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स GST कम हो जाती है 2.25%।
तो इंक्लूडिंग जीएसटी यानी कि जीएसटी को मिलाकर जो प्रीमियम बैठता है वो बैठता है 45,785 पर ईयर। प्रीमियम पेइंग टर्म 25 साल है, यानी कि 25 साल तक प्रीमियम पे करना होता है। तो जब पॉलिसी मैच्योर होगी 25 साल के बाद, तो मैच्योरिटी पे सम एश्योर्ड प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशन बोनस दिया जाएगा। सम एश्योर्ड कितना है 10 लाख, प्लस बोनस कितना बैठता है 11,50,000, प्लस फाइनल एडिशन बोनस कितना बैठता है 4,50,000। तो टोटल मिला के 26 लाख रुपये मैच्योरिटी पर मिल जाएंगे 25 साल के बाद पॉलिसी होल्डर को, और ये टोटल अमाउंट टैक्स फ्री हो गया, यानी कि इसके ऊपर कोई भी टैक्स डिडक्शन नहीं होगा। पॉलिसी मैच्योर तो हो गई, अब मैच्योर होने के बाद क्या पॉलिसी बंद हो जाएगी? नहीं, LIC न्यू जीवन आनंद प्लान में यही बेनिफिट है कि मैच्योर होने के बाद भी आपका जो इंश्योरेंस कवर है 10 लाख का, वो 100 साल तक चलता रहता है। अगर कभी भी मैच्योरिटी के बाद पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो ये 10 लाख रुपए नॉमिनी को मिल जाता है। ऐसा जीवन लाभ में नहीं है। अब हम समझते हैं एग्जाम्पल जीवन लाभ को लेकर। जीवन लाभ में मान के चलते हैं कस्टमर है राम, राम की एज वही है 30 साल, और वो 25 साल की टर्म का प्लान लेता है जिसमें उसको प्रीमियम मात्र 16 साल तक पे करना होगा और सम एश्योर 10 लाख का है। तो राम का जो प्रीमियम कैलकुलेट करके बैठता है वो बैठता है 47,514 इंक्लूडिंग जीएसटी, यानी कि जीएसटी को मिलाकर 47,514 का प्रीमियम बैठता है। तो टोटल कितना प्रीमियम पे किया गया? 7,44,879 रुपये का प्रीमियम पे किया गया है। तो जब पॉलिसी मैच्योर होगी तो मैच्योरिटी पे सम एश्योर्ड प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशन बोनस दिया जाएगा। तो सम एश्योर्ड 10 लाख है, 10 लाख मिलेगा, प्लस बोनस 11,75,000 का बोनस मिलेगा, प्लस फाइनल एडिशन बोनस 4,50,000 का फाइनल एडिशन बोनस दिया जाएगा। तो टोटल मिलाकर मैच्योरिटी पे 26,25,000 का मैच्योरिटी अमाउंट बनता है, और ये टोटल मैच्योरिटी टैक्स फ्री होती है। तो दोस्तों आपने समझा LIC न्यू जीवन आनंद और LIC जीवन लाभ में कंपैरिजन, कि दोनों में क्या फ़र्क है। आई होप कि अब आप अगर अपने कस्टमर के सामने जाएंगे तो आप कस्टमर को अच्छे से प्लान कंपैरिजन करके बता पाएंगे कि सर LIC जीवन आनंद किन लोगों को लेना चाहिए और LIC जीवन लाभ किन लोगों को लेना चाहिए। अब बात करते हैं कि क्या इन दोनों पॉलिसी में लोन फैसिलिटी अवेलेबल है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ये दोनों ट्रेडिशनल प्लान है, इनमें लोन फैसिलिटी अवेलेबल है, यानी कि 2 साल का प्रीमियम पे करने के बाद पॉलिसी होल्डर कभी भी पॉलिसी के अगेंस्ट में लोन ले सकता है। लोन लेने के समय पर कस्टमर को अपना ओरिजिनल पॉलिसी बॉन्ड ब्रांच में सबमिट करना होता है, और साथ में ID प्रूफ और एड्रेस प्रूफ लगाना होता है, साथ में कैंसिल चेक भी लगाना होता है, ताकि जो लोन का पैसा है वो डायरेक्टली आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाए। और इसके साथ साथ दोनों पॉलिसी में टैक्स बेनिफिट भी मिलता है, यानी कि 1,50,000 तक का आप इनकम टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं अंडर सेक्शन 80C, और जो भी मैच्योरिटी अमाउंट होता है अंडर सेक्शन 1010D वो भी टोटल टैक्स फ्री होता है। तो आई होप कि आज की इस वीडियो से आपको समझ आया होगा कि LIC जीवन लाभ और LIC न्यू जीवन आनंद प्लान में क्या फ़र्क है, और आप इसको देखकर आगे अच्छे से अपने कस्टमर को एक्सप्लेन करेंगे कि प्लान के बेनिफिट क्या हैं, प्लान के फीचर्स क्या हैं। और दोस्तों अगर आप फ्यूचर में चाहते हैं कि आपको इंश्योरेंस के बारे में और भी जानकारी मिलती रहे, तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, साइड में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करिए। और अगर आप हमारी वीडियो हमारे Facebook पेज पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। और आप भूलिएगा नहीं, हर एक संडे रात ठीक 9 बजे मैं अपना YouTube और Facebook लाइव प्रोग्राम लेकर आता हूँ, जहाँ पर आप सभी इंश्योरेंस एडवाइज़र के प्रश्नों का जवाब दिया जाता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारी वीडियो से जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।